हेलो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है यूपी पंचायत चुनाव को लेकर। तय हुई नामांकन पत्रों की फीस, जानिए कितने रुपए में मिलेगा ग्राम प्रधान का पर्चा। जी हां दोस्तों, आज यूपी पंचायत की तरफ से एक बड़ा ऐलान हो चुका है। जो भी पर्चे मिलते हैं पंच, सरपंच और प्रधान पद के लिए, उन सभी की फीस आज तय कर दी गई है। तो हम आपको विस्तार से इस वीडियो में जानकारी देंगे, तो भाइयों वीडियो बिना काटे पूरा अंत तक जरूर देखना। यूपी में पंचायत चुनाव कराने के लिए जिनाल निर्वाचन कार्यालय युद्ध स्तर से जुट गया है। निर्वाचन आयोग ने विभिन्न पदों के उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन प्रपत्र उपलब्ध करा दिए हैं। ये मंगलवार को जनपद मुख्यालय पर आ गए हैं। इन्हें राजकीय इंटर कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच रखवा दिया गया है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल भार्गव की देखरेख में निर्वाचन प्रपत्रों की गणना के बाद रखवाया गया। इन्होंने बताया कि जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान पद के लिए नामांकन पत्र आयोग से चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद प्रत्याशी ले सकेंगे। तो जो पद हमने बताए हैं इन सभी के पर्चे आज आ चुके हैं, इनके लिए निर्धारित शुल्क भी आपको देना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना किस पद के लिए क्या शुल्क रखा गया है। ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 150 रुपये शुल्क रखा गया है। ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत पद के लिए 300 रुपये शुल्क रखा गया है। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 500 रुपये शुल्क रखा गया है। वे ब्लॉक प्रमुख पद के लिए 800 रुपये नामांकन पत्र की कीमत सरकार ने रखी है। ग्राम पंचायतों में पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए अंतरिम वोटर लिस्ट जारी की जा चुकी है। इसे लेकर तमाम तरह की आपत्तियाँ आई हैं। बिलग्राम, सवाईजपुर, हरदोई, संडीला और शाहबाद के उप जिलाधिकारियों के नेतृत्व में तहसीलदार व उनकी राजस्व टीम आपत्तियों का निस्तारण करने में जुटी हुई है। अपर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने निर्देश दिए हैं कि आपत्तियों का निस्तारण नियमानुसार कराया जाए, किसी भी तरह का पक्षपात न करें। यदि कोई कर्मचारी लापरवाही या भेदभावपूर्ण तरीके से काम करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। ये सख्त आदेश अधिकारियों ने दे दिए हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल भार्गव का कहना है कि वोटर लिस्ट को लेकर ई आपत्तियों का निस्तारण व उसके बाद में संशोधन होगा। तहसील के अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है कि वे 11 जनवरी तक परिवर्धन, अपवार्जन व संशोधन सूची तैयार करके उपलब्ध करा दे 11 जनवरी तक, ताकि इसके बाद वोटर लिस्ट को तैयार किया जा सके और अंतिम तौर पर मतदाता सूची 22 जनवरी को प्रकाशित कर दी जाएगी। यानी कि दोस्तों, अगर आप भी पंच, सरपंच, प्रधान पद पर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो 22 जनवरी को पूर्णतः सही वोटर लिस्ट आपके हाथों में सरकार उपलब्ध करा देगी। साथ ही जो हमने फीस बताई है उन फीस पर आप अपना पर्चा किसी भी ग्राम पंचायत से ले सकते हो। तो दोस्तों, ये तो रही लेटेस्ट न्यूज़। अगर आपको किसी भी अगर मुद्दे पर कोई न्यूज़ चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुद्दे का नाम जरूर कमेंट करना, हम आपको जल्द से जल्द उस टॉपिक पर न्यूज़ उपलब्ध करा देंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।